क्षेत्र के लेभरी गांव निवासी श्यामा यादव 63 वर्षीय मंगलवार को 9 बजे टेम्पू दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार श्यामा यादव अपने ही गांव के स्वर्गीय भिखारी यादव की पत्नी का इलाज कराने के लिए डिहरी जा रहे थे। इसी बीच बबनी मोड़ के पास टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गयी। टेम्पू में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पू में सवार श्यामा यादव का बाएं हाथ की उंगली कट गई। श्यामा यादव ने बताया कि जिन लोगों को वह इलाज कराने जा रहा था उसे घायल अवस्था में ही छोड़कर भाग गया। घायल को उसके परिजन ने सदर अस्पताल गढ़वा लाए, अभी उसका इलाज चल रहा है। टेम्पू से पलटी हो गया। हाँ। कहाँ पे? गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।